आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सोना जी के इस कमेंट को। इन्होंने ICICI पोटेंशियल लाइफ के कैशबैक प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग भी ICICI पोटेंशियल लाइफ के कैशबैक प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार आती है, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीमा गोल्ड प्लान नंबर 174 के बारे में। अब क्योंकि ये बहुत पुरानी पॉलिसी है तो हम यहाँ पे सीधा बेनिफिट की ही बात करेंगे। इसके सबसे पहला बेनिफिट है इसमें सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक बेनिफिट। मनी बैक जो बेनिफिट है वो आपके बेसिक सम अजॉर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होगा जो निर्भर करेगा आपके पॉलिसी टर्म के ऊपर। सेकंड बेनिफिट, अगर आप मेच्योरिटी तक सर्वाइव करते हैं तो आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिलता है पॉलिसी टर्म के एंड में। जितना भी बेस प्रीमियम आप पे करते हैं उसमें लॉयल्टी एडिशन जोड़ दिया जाता है और उसमें से माइनस कर दिया जाता है सर्वाइवल बेनिफिट को। लॉयल्टी एडिशन का जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको इंश्योरेंस कंपनी एग्जैक्टली बताती है, या अगर आपका ऑनलाइन प्रोफाइल होगा तो आप इसके बारे में जान पा रहे होंगे। थर्ड बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व होता है पॉलिसी टर्म के दौरान के लिए, वो है ऑटो कवर का। अगर 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद में भविष्य में आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ऐसे में जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे उस बीच अगर डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट कम्प्लीट पे किया जाएगा, जो कि नॉर्मल पॉलिसी में नहीं होता है। डेथ बेनिफिट का मतलब है यहाँ पे सम अश्योर्ड। अगर आप लगातार प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर आपने 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद में प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है और सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलना चालू हो चुका है तो टोटल पेड प्रीमियम में से सर्वाइवल बेनिफिट को घटा दिया जाएगा, जो अमाउंट होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर प्रीमियम लगातार पे कर रहे हैं तो सम अश्योर्ड पे किया जाएगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको पता चलेगा। एंट्री एज का लिमिट इस प्लान में रखा गया था 14 साल से लेकर 63 साल। मेच्योरिटी एज का मैक्सिमम लिमिट था 75 साल। पॉलिसी टर्म आपको 12 साल 16 साल और 20 साल का मिलता है। जितने साल का पॉलिसी टर्म है उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म भी इसमें है, यानी कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है। मिनिमम सम अजॉर्ड का लिमिट है 40,000। मोड ऑफ प्रीमियम आपको इसमें सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक मिल जाता है। मासिक मोड ऑटो डेबिट मोड पे ही दिया गया था जो कि आपके सैलरी अकाउंट से डिडक्ट हो रहा था। राइट, हो रहा था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराना प्लान है, अब ये प्लान अवेलेबल नहीं है। इसका जो प्रीमियम रेट का जो चार्ट है हमारी स्क्रीन के ऊपर है, एक तरफ एज लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है एनुअल प्रीमियम पर 1000। ऐसे का मतलब है यहाँ पे सम अश्योर्ड से। राइट, तो एज 15 से शुरू हो रही है 60 तक लिखा है। 12 साल का पॉलिसी टर्म, 16 साल का पॉलिसी टर्म और 20 साल का पॉलिसी टर्म, और इतने ही साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल की रही होगी और 16 साल का अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 1000 रुपए के सम अश्योर्ड के लिए सालाना आपने 59 रुपए के आसपास पे किए होंगे, जो कि 59.05 है। यहाँ पे लिखा था अप्रोक्सीमेटली आप इसको 59 रुपीज या 59 रुपीज मान सकते हैं। तो हमने 30 साल मान ली यहाँ पे उम्र, 16 साल का पॉलिसी टर्म मान लिया और 16 ही साल का मान लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो हम यहाँ पे अगर ये मान लें कि श्रीमान ने 2 लाख रुपए का सम अजॉर्ड लिया होगा तो प्रीमियम रेट तो हमें पता है कि अगर हम 1000 रुपए का 5.905% निकालते हैं तो 59 रुपए कुछ पैसे का अमाउंट आ जाता है। तो 2 लाख रुपए का अगर बेसिक सम अजॉर्ड है तो यहाँ पे प्रीमियम हमें सालाना अगर पता करनी है तो 2 लाख रुपए का हम 5.905% निकाल लेंगे तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि बेस प्रीमियम 11,810 रुपए का निकल के आ जाएगा, जो कि हर साल पे करना होगा। पॉलिसी टर्म के दौरान इनको मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट। जो सर्वाइवल बेनिफिट होगा वो होगा 15% इनके बेसिक सम अजॉर्ड का, जो कि एट द एंड ऑफ यानी कि पॉलिसी के 4th साल के अंत में, पॉलिसी के 8th साल के अंत में और पॉलिसी के 12th साल के अंत में इनको मिल जाएगा। राइट, अब आपको पता ही है कि अगर आप 15% निकाल लेंगे 2 लाख रुपए का, क्योंकि बेसिक सम अजॉर्ड है 2 लाख यहाँ पे, तो 30,000 रुपए हो जाता है। ये मिलना टोटल 3 टाइम्स है, 4th साल के अंत में, 8th साल के अंत में और 12th साल के अंदर, सीधा 3 का गुणा कर लीजिए तो 90,000 रुपए इनको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल चुके होंगे। राइट, मेच्योरिटी बेनिफिट हमें पता ही है कि टोटल पेड प्रीमियम में आप जोड़ देंगे। कौन सा टोटल पेड प्रीमियम? बेस प्रीमियम, जो हमने यहाँ पे माना उस वो हमने बेस प्रीमियम भी माना है, उसमें लॉयल्टी एडिशन और सर्वाइवल बेनिफिट को घटा देंगे, लॉयल्टी एडिशन को ऐड करके। तो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 16 साल के अंदर 1,88,960 रुपए। अब 1,88,960 में लॉयल्टी एडिशन हम जोड़ेंगे और उसमें तो जो सर्वाइवल बेनिफिट है 90,000 रुपए हम घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट निकल के आ जाएगा।
अब 1,88,960 में से 90,000 घटाएंगे तो 98,960 रुपए का अमाउंट आएगा। लॉयल्टी एजेंट आपको इस प्लान में एग्जैक्टली कंपनी ही बता सकती है, क्योंकि मुझे इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, राइट? सिर्फ एक लाइन दिखाई दी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वन टाइम ये बेनिफिट पे किया जाएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको पता चलेगा, अगर आपने 12 साल का पॉलिसी टर्म लिया होता तो जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो 15% होता आपके बेसिक सम अशोर्ड का, जो कि आपको पॉलिसी के 4th साल के अंत में और 8th साल के अंत में मिलता। अगर 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया होता तो बेसिक सम अशोर्ड का 15% आपको पॉलिसी के 4th साल के अंत में, 8th साल के अंत में और 12th साल के अंत में मिलता। अगर आप 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते तो ऐसे में सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट होता वो आपके बेसिक सम अशोर्ड का 10% आपको मिलता, जो कि पॉलिसी के 4th साल के अंत में, 8th साल के अंत में, 12th साल के अंत में और 16th साल के अंत में आपको मिलता। अब मैच्योरिटी बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको ही आपको रिटर्न में दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पेमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी कि जितना भी प्रीमियम पे किया है उसमें से आपको एक्सक्लूड करना है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम है राइडर का या लोडिंग चार्जेस है तो वो आपको घटाना होगा। फिर उसमें आपको जोड़ देना होगा लॉयल्टी एडिशन और उसमें से आपको माइनस कर देना है सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि जो मनी बैक बेनिफिट आपको मिल चुका है, राइट? तो एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म इस तरीके से यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट निकाला जा रहा है। अब जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए इस वजह से स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया और उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कल, राइट? बाकी नॉर्मल प्रीमियम पे करते रहेंगे तो जो सम अशोर्ड होगा डेथ होने पे वो नॉमिनी को मिल जाएगा, बाकी टोटल पेड प्रीमियम में से आपको सर्वाइवल बेनिफिट घटाना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया होगा तो, नॉर्मल सी चीज है। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं और प्लान हमेशा प्लान करके ही